हाय गाइस, तो आज हमारी सवारी चल पड़ी है कहीं घूमने के लिए। तो हम लोग अपने ही ज़िले के महोत्सव में जा रहे हैं। यह है अंबेडकर नगर महोत्सव। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग शाम को ही गए थे 5:30 बजे। और इसलिए गए थे क्योंकि ज़्यादा भीड़ ना हो और सब लोग सब कुछ हम लोग आराम से देख सकें। ज़्यादा भीड़ होने पे बहुत हौच पौच हो जाता है, फिर मुझे कम समझ में आता है, तो इसलिए हम लोग शाम को ही गए थे। उजाला था। और यहाँ पे देखिए, ये कुर्सी मेज और इधर कप और इधर कुछ कपड़ों के स्टॉल, मतलब छोटे मोटे जो जो स्टॉल लगते हैं, खिलौने वगैरह, ये सब स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे। उसको देखने के बाद हम लोग बढ़ चले स्टेज की ओर। स्टेज काफ़ी बड़े एरिया में बना था और काफ़ी सुंदर बना था, ये देख सकते हैं। और मैं बहुत अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत लग रही थी, गर्मी मुझे बहुत लग रही थी, तो मैं बाहर से ही कोशिश की कि सबको रिकॉर्ड कर सकूं, तो इसलिए मैंने बाहर से ही सब किया। और फिर हमने बाहर आके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। ये हमारे मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छे भैया हैं ये। और इसके बाद हमने फ़ोटो क्लिक करी, फिर हम लोगों ने कहा कि चलते हैं सारे स्टॉल को देख लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा शाम होने लगी थी, अंधेरा। और फिर ये देखिए, मैंने सारा देखिए कितनी दूर में है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे थे और नॉलेजबल सब था कि ये ज़िले के बारे में थोड़े छोटे छोटे मॉडल टाइप के बना के और उन्होंने वहाँ की सब दिखाने की कोशिश करी थी। ये देखिए पावर हाउस और ये जल ही जीवन है इस टाइप का, ये छोटी टंकी काफ़ी क्यूट लग रहा था। हाँ, यहाँ देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें। अभी आगे भी और इसी टाइप के छोटे छोटे मॉडल टाइप के बने हुए हैं। ये देखिए, ये सब टंकियाँ बनी हुई हैं ज़िले में, मतलब कितनी टंकियाँ हैं, कहाँ कहाँ किस एरिया में, पूरा मैप बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छा लग रहा था, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर जब पास से देखा तो लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर ये देखिए, ये दुर्लभ पौधे हैं जो कि नहीं देखने को मिलते हैं। और फिर बच्चों ने यहाँ कुछ ब्रेन सीड स्कूल का गेम था, वो गेम खेला वहाँ पे, खिला रहे थे सब बच्चों का नाम एड्रेस लेके। और फिर सबने गोलगप्पे खाए, फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे के बिना तो मेला और ठेला वो ही नहीं होता, तो मैंने भी खा लिए। लेकिन गोलगप्पे बहुत महंगे मिलने लगे। नहीं, अब फिर यहाँ पे बच्चों को ये क्या कहते हैं इसको, शूटिंग करनी थी, तो बच्चों ने की। फिर मेरा भी मन हो गया कि लाओ मैं भी करूं, मैंने कभी नहीं किया, तो मैंने कहा लाओ मैं भी करूं। तो पहले हस्बैंड जी ने भी किया। अच्छा लगता है बच्चों के साथ उन्हीं की तरह करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ी थी तो मुझसे जो कि हुआ नहीं, एक भी बैलून नहीं फूटा, लेकिन फिर भी कर लिया, कोई नहीं, मज़ा करना चाहिए। और फिर रात हो चुकी थी, हम लोग खा पी के फिर घर की तरफ चलने का मन हुआ, फिर कि अब घर चलते हैं, अंधेरा भी हो गया है। तो फिर इधर थोड़ा सा झूला वगैरह है, मुझे तो बड़ा डर लगता है झूलों से, मैं तो नहीं झूलती, छोटी थी तो झूलती थी, बट अब नहीं। ये देखिए रात का सीन, रात में भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील होता है, तो इसलिए मैं रात में कोशिश करती हूँ कि ना जाऊँ। तो फिर ये सब देखिए पूरे मेले का नज़ारा। ओके, बाय बाय।